हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं इस वीडियो में आपको विनर्स और लूजर्स के बारे में बताऊंगा। विनर्स हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, लूजर्स में हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो यही कारण होता है कि वो विनर्स जो विनर्स होते हैं, लूजर्स लूजर्स होते हैं। विनर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द आंसर। विनर के पास हमें हमेशा आंसर होता है कि किसी भी सवाल का जवाब होता है, कुछ भी प्रॉब्लम का हल उसके पास होता है। और जो लूजर्स होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम उनके पास होती है, हमेशा बहाने लगाएंगे कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। अगला है, विनर ऑलवेज हैज ए प्लान। विनर्स के पास हमेशा प्लान होता है और उनकी नज़र हमेशा अपने टारगेट पे, अपने गोल पे होती है। और लूजर्स ऑलवेज हैज एन एक्सक्यूज। जैसे मैंने पहले कहा, लूजर हमेशा बहाने लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये काम बहुत मुश्किल है, कल आना। विनर सेज इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। तो विनर्स की, जैसे मैंने कहा, उनकी सोच पॉजिटिव होती है, इसलिए कुछ भी काम होता है कहते हैं कि मे बी मुश्किल है लेकिन ये हो जाएगा। लूजर सेज इट मे बी पॉसिबल बट इट इज टू डिफिकल्ट। तो यही फर्क है उनमें, नेगेटिव और पॉजिटिव। हर चीज़, हर जगह पर उनका नेगेटिव एटीट्यूड शो होता है लूजर्स का, और विनर्स इसीलिए विनर्स होते हैं क्योंकि उनमें एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। हर काम को वो कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है, हो सकता है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन पॉसिबल है। विनर्स आर पार्ट ऑफ द टीम। और ये भी सबसे बड़ा गुण है विनर्स का कि वो हमेशा टीम के साथ मिलके काम करते हैं। कुछ भी काम करना हो तो सब लोगों की मदद लेते हैं, इसीलिए वो बहुत सारी ट्रॉफियां जीतते हैं। और लूजर्स आर अपार्ट फ्रॉम द टीम। वो हमेशा अपनी टीम से अलग होते हैं लूजर्स। वो सोचते हैं मैं अकेला ही सबसे आगे निकल जाऊं, और अपने आप को वो सबसे महान समझते हैं और दूसरे लोगों को वो अच्छा नहीं समझते। तो अकेला आदमी कुछ ज़्यादा बढ़िया काम कर नहीं सकता, इसीलिए जो इगोइस्टिक पर्सन्स होते हैं वो हमेशा फिर लूज़र ही बन के रह जाते हैं। विनर्स सी द गेंस। कोई भी काम होता है वो विनर्स हमेशा ये देखता है कि मुझे क्या मिल सकता है। हो सकता है शुरू में कुछ भी काम करते हैं तो शुरू में मुश्किल आती है, शुरू में पेन्स होती है, लेकिन विनर्स की नज़र हमेशा गेंस पे होती है कि इससे मुझे ये मिल सकता है। और लूज़र्स हमेशा कुछ भी काम हो बस वो यही कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ी उनकी शॉर्ट टर्म विजन होती है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं सोच पाते। हो सकता है शुरू में काम मुश्किल हो लेकिन इसमें बहुत बड़ा गेन हो सकता है। और विनर्स में ये भी खासियत होती है कि वो जब कोई गलती हो जाती है उनसे तो वो गलती मान लेते हैं और कहते हैं आई वॉज रॉन्ग, आई एम सॉरी। जो लूज़र होता है वो कभी गलती नहीं मानता। ही सेज इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। मेरी गलती नहीं है, ये तो आपकी गलती है या उसकी गलती है। वो बस हमेशा ऐसे अपनी जजमेंट सुना देते हैं। विनर जो होता है वो हमेशा कमिटमेंट्स करता है, तो इसीलिए वो विनर होता है क्योंकि वो कमिटमेंट बिल्कुल उसमें दृढ़ता से कुछ काम करता है, वो ढीलेपन से नहीं करता। जो भी उसने बात कही है वो करता है, तो इसीलिए लोगों को उस पर ट्रस्ट भी होता है। यही उसके सक्सेसफुल होने का कारण भी है। और लूज़र मेक्स प्रपोजल। लूज़र जो होता है बहुत सारे प्रपोजल्स तो देता है, अगर ये काम हो गया तो हो गया, बहुत बड़े सपने तो दिखाएगा कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन अगर मगर भी बहुत करेगा कि अगर ऐसा हो गया तो हो गया। तो विनर सेज आई मस्ट डू समथिंग। सो सबसे बड़ी खासियत विनर्स में यही होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमेशा कि मुझे ही करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ही काम करना है, अपनी लाइफ के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो किसी को ब्लेम नहीं लगाते। और लूज़र से समथिंग मस्ट बी डन। लूज़र कहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और ये टीम मेंबर अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरे को दोष देते हैं। ब्लेम करना उनकी सबसे बड़ी आदत होती है, ब्लेम करना और एक्सक्यूजेस लगाना। इसीलिए वो कहते हैं कि हाँ, कुछ करना तो पड़ेगा लेकिन करेगा कौन, बात तो यही होती है ना। तो हाँ, वो ऐसे आइडिया भी बहुत देते हैं कि आइडिया है कि तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, लेकिन वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लाते। इस काम से जी चुराते रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड का भी दिखावा करेंगे लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। तो थैंक यू, मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड सच के लिए और विनर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो विनर बनना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।